लेट्स लुक एट सिंगल ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम सिंगल ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ सीजनल डिमांड होती है जो कि जिसका हम सिर्फ एक ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल डिजाइनर क्लोध हैं उसका जो सीजन uh, है वो लेट्स से थ्री मंथ्स का है लेकिन डिजाइनर क्लोथ फ्राम डिजाइन टिल फिनिश प्रोडक्ट इट टेक्स लॉन्ग टाइम इट कु नाइन मंथ्स यो ऑन सो होता यह है कि इस किस्म के जब प्रोडक्ट uh, हों तो फिर एक ही ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है क्योंकि दूसरे ऑर्डर का टाइम ही नहीं रहता फॉर uh, एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दी थी ईद uh, है बड़ी ईद है उसके अंदर uh, कितने जो uh, व्यापारी होते हैं बेचने जो बकरे बेच रहे हैं वो कितने बकरे अपने पास रखें क्योंकि हो सकता है कि उनको दूसरे ऑर्डर प्लेस करने का टाइम ही ना मिले आ, तो इस केस के अंदर दे आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बेसिस के ऊपर हम डिटर्मिन करते हैं कि कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर हम वन टाइम में प्लेस करें जो कि हमारे टोटल जो कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर दे आ, इसके अंदर एक है कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉक अदर वन इज कॉस्ट ऑफर ओवर स्टॉक कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉक क्या है कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉक इज बेसिकली दॉफिट मार्जिन जो कि हम लूज करते हैं बिकॉज ऑफ द लॉस सेल हमने अंडर स्टॉक किया डिमांड पचास यूनिट्स की थी हमने चालीस यूनिट्स रखे और वो चालीस यूनिट्स बिक गए वो प्रॉफिट मार्जिन उसमें तो आ गया लेकिन जो दस यूनिट्स थे जो कि हम डिमांड मीट नहीं कर सके वो ले सेल लूज कर गए उसके जो हमारी प्रॉफिट मार्जिन था विच इज बेसिकली प्राइस पर यूनिट जिस पर हम बेच रहे हैं माइनस द कॉस्ट पर यूनिट जिस पर हमने खरीदा था या हम प्रोडक्शन कॉस्ट जिस पर हमारी हमने इनकर किया तो वो जो डिफरेंस है दैट इज द प्रॉफिट मार्जिन और वो हम लूज कर जाते हैं तो दैट्स वाई that is considered as cost of understock. Uh, on the other hand, the other one is cost of overstock. Cost of overstock is basically uh, demand हमारी, let's say again 50 यूनिट्स थी, uh, हमने 60 यूनिट्स uh, रख लिए. अब uh, वो जो 60 यूनिट्स रखे, तो 50 यूनिट्स तो हमने प्रॉफिट पे बेच दिए जो रिक्वायरमेंट थी. बाकी जो 10 यूनिट्स हैं, वो हम डिस्काउंट करके बेचेंगे या डिस्कार्ड कर देंगे मीनिंग उसकी हम सिर्फ सेल्वेज वैल्यू ही ले सकेंगे तो वो जो हमारी है कॉस्ट पर यूनिट जो हमें पड़ी माइनस द सेल्वेज वैल्यू पर यूनिट फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम एग्जांपल अगेन ईद का दे सकते हैं कि बकरे रखे हुए थे सिक्सटी बकरे थे फिफ्टी की डिमांड आई फिफ्टी प्रॉफिट में बेच दी बाकी जो दस बचे वो कसाई को बेचे गए गोश्त के लिए और वो ऑब्वियसली वो ज्यादा पे नहीं करेगा वो कॉस्ट जो पड़ी थी उससे कम कीमत पर उसने खरीदे तो वो उसको एक लॉस हुआ वो कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉक है अब चीज ये है कि हमने वो देखना है कि वो क्या प्रोबेबिलिटी है ये सारी की सारी जो हमने डिमांड है ये डिफरेंट प्रोबिलिटीज इनकी हैं तो वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है जिस पर जिस डिमांड के ऊपर हमारा जो प्रॉफिट है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वो मैक्सिमाइज हो जाए वो उसकी कैलकुलेशन ये है दिस इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी वेयर आर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मैक्सीमाइज एंड दिस इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी दैट द डिमांड डी इज लेस देन और इक्वल टू डी डिमांड ठीक है प्रोबेबिलिटी दैट द डिमांड इज लेस देन और इक्वल टू डी सो यह प्रोबिलिटी हम कैलकुलेट uh, करते हैं और यह कैलकुलेशन इसकी है कि कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉक एंड दिस विल गिव यू वैल्यू विच इज बिट्वीन जीरो एंड वन

डिमांड उतनी क्वांटिटी का हम ऑर्डर प्लेस करें तो हमारी प्रॉफिट जो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वो मैक्सिमाइज हो जाएगा